राजधानी के चैंबर भवन में राजस्थान के जन संगठनों के मंच व दलित आदिवासी अल्पसंख्यक की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया गया। संगठनों के सम्मेलन में लोकतांत्रिक, संवैधानिक और मानवीय मूल्यों में मजबूती प्रदान करने के निर्णय लिए गए। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न पार्टियां राजस्थान का दौरा करने में लगी है। चुनाव में विभिन्न मुद्दे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन विकास की बात कहीं पर नहीं की जा रही है। बीजेपी के नेता लगातार राफेल मुद्दे और शहीदों के नाम पर वोट मांगने में लगे हुए हैं, लेकिन राजस्थान के विकास को लेकर किसी भी तरह की बात नहीं की जा रही है। यहां संगठनों ने मंच के माध्यम से निर्णय लिया है कि राजस्थान में जो पार्टी विकास और बेरोजगारी खत्म करने को लेकर बात करेगा, संगठन उसका समर्थन करेगा। आज संविधान के समक्ष चुनौतियां क्या, पूरा संविधान ही खतरे में है। जो 1947 में राजनीतिक आज़ादी हासिल की थी हमारे पूर्वजों ने, युवाओं ने जो बलिदान दिए थे, भगत सिंह जैसे लोगों ने जो बलिदान दिए थे, अशफाक उल्ला खान जैसे लोगों ने जो बलिदान दिए थे, आज वो पूरी की पूरी राजनीतिक आज़ादी हमारी खतरे में है। खतरे में इस तरीके से है कि जो कुछ हासिल किया, आज देखो, आज बोलने की आज़ादी नहीं है। अगर कोई बोलता है सरकार के खिलाफ, सरकार कोई उनकी नीतियों के खिलाफ बोलता है तो वो राष्ट्र विरोधी हो जाता है, उसको राष्ट्र विरोधी करार दे दिया जाता है। और खाली करार नहीं देते, मार डालते हैं। हमारे यहाँ कितने उदाहरण हम दें, गौरी लंकेश को मार डाला, पानसारे को मार डाला, कलबुर्गी को मार डाला, तो अनेक ऐसे